वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा और इस वीडियो में कमेंट करके हमें लाजमी तौर पर बताइएगा कि आने वाले वक्त में आप किस तरह की वीडियोस देखना पसंद करते हैं। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि मजीद आने वाली वीडियो जो वक्तन फवक्तन आपके लिए इस चैनल पर अपलोड करते हैं वो आपको वक्त पर मिलती रहे और आप उनसे मुस्तफीद होते रहें। Respected our chief guests and distinguished guests, honorable director sir, all our teacher and all my lovely students. A very happy and good morning to all of you. Myself, Akash Kumar, I am the student of class 5. मैं आपके सामने ड्रामा प्रस्तुत करने वाला हूँ। तो आज मैं आपसे अपने समाज और समाज में रहने वाले लोगों के बारे में बात करना चाहता हूँ। आज हम जातिवाद को लेकर आपस में लड़ते रहते हैं और आए दिन जातिवाद पर विवाद न्यूज या अखबारों में देखते ही हैं। पर मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि हम लड़ क्यों रहे हैं जबकि हमारा देश एक है, हमारा मातृभूमि एक है और हमारा तिरंगा भी एक है। तो ये एक छोटे से दृश्य में मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि हम सब एक हैं और हमारी सोच अलग है। इससे पहले मैं आपको अपने टीम से पात्र परिचय करवाना चाहता हूँ। Myself Dinesh Kumar, मैं मिट्टी के रूप में हूँ। Myself Kunal Kumar, हिंदू के कैरेक्टर में। Myself Pankaj Kumar Yadav, मैं कैरेक्टर ऑफ क्रिश्चियन। Myself Rohit Kumar, मैं कैरेक्टर ऑफ मुस्लिम। Myself Priyank Kumar Singh, मैं राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के कैरेक्टर में हूँ। वाह, यहाँ पर तो बहुत सारी मिट्टियाँ हैं, क्यों ना मैं इन मिट्टियों से अपने भगवान की प्रतिमा बना दूँ। चलो आज बना ही लेता हूँ। अब ठीक है। राधे कृष्ण, राधे कृष्ण, राधे कृष्ण, राधे कृष्ण, राधे कृष्ण। जीसस की प्रतिमा होनी चाहिए वहाँ पे हिंदुओं की पूजा, मैं तो इन्हें जीसस की प्रतिमा दूंगा। ओहो, ये क्या, जहाँ पे मस्जिद की पूजा होनी चाहिए जीसस की पूजा, मैं तो अपना मस्जिद बनाऊंगा। Thank you.
आई थी, जबकि मेरा भगवान एक है, मेरे भारत माता एक है, मेरे देश एक है, फिर किस चीज के लिए लड़ाई कर रहे हो? हम लोग एक कैसे है? हमारा मजहब अलग है, हमारा भगवान अलग है, हम लोग एक कैसे है? आइए हम दिखाते हैं हम कैसे एक है। एक केसरिया राव उन्हें क्या प्रतीक है? ये सफेद रंग शांति और सच्चाई का प्रतीक है। ये हरा रंग हमारे देश में हरियाली और खुशी का प्रतीक है। मैं इन तीनों रंगों को मिलाकर एक नया देश बनाऊंगा। तुम लोग किस चीज के लड़ रहे हो? तुम लोग किस चीज के लड़ रहे हो? तुम लोग को लड़ना है इस तिरंगे के लिए लड़ो, इस भारत माता के लिए लड़ो। आओ हम सब गले मिलकर तीनों धर्मों को भूलकर एक नया भारत देश बनाते हैं। देखा आपने हम सब कैसे एक है? हमारा मिट्टी एक है, हमारा माथा भी एक है, हमारा तिरंगा एक है, यहाँ तक कि जो हम सब के शरीर में रक्त है वो भी एक है, तो हम क्यों लड़ेंगे? और लड़ना ही है तो अपने देश के लिए लड़िए। इसी के साथ मैं पहला दृश्य समाप्त करता हूँ और मैं आपको दूसरा दृश्य की ओर चलता हूँ। यह दृश्य अपने कल्चर के बारे में है, जो पहले से बहुत ही बदल चुका है, जिसमें लोग टेक्नोलॉजी में खो चुके हैं और अपनों से दूर होते जा रहे हैं। पहले के समय में लोग आपस में मिलजुल कर किसी कार्यक्रम को सफल करते थे, पर अब पैसे कमाने के भाग दौड़ में अपने संस्कारों को भूल रहे हैं। आइए मैं और मेरे मित्र आपके सामने एक ड्रामा प्रस्तुत करते हैं। सबसे पहले मैं अपने मित्र से आपको पात्र परिचय करवाना चाहता हूँ। Myself पप्पू कुमार यादव, मैं एक पिता कैरेक्टर में। Myself पली कुमारी, मैं माँ के कैरेक्टर में। Myself विनायक यादव, मैं बेटे के कैरेक्टर में। I am लालसा कुमारी, मामी जी के कैरेक्टर में। My name is खुशबू कुमारी, बेटी के कैरेक्टर में। Myself पली कुमारी, चाची के कैरेक्टर में। यह पहले के संस्कार और सभ्यता है। पहले के लोग आपस में मिलजुल कर किसी कार्य को कैसे सफल करते थे, आइए एक छोटे से दृश्य में देखते हैं। हाँ।
सुनती हो जी, कहाँ हो? हाँ जी, आती हूँ। तुम्हारे भाई साहब आने वाले थे, अभी तक नहीं आए। शादी बहुत सारा काम पड़ रहा है, आते तक काम में हाथ बढ़ जाता। चिट्ठी तो भेजा हूँ मैंने, और चिट्ठी में लिखा भी था कि बहुत जल्दी आ जाए, बहुत सारा काम पड़ा है। अच्छा कोई बात नहीं, आज आते ही होंगे। ठीक है। मामा। हाँ आती हूँ। मामा जी आ गए। जाइए जाइए, मेरा भाई आ गया। प्रणाम दीदी। खुश रहो और सब ठीक ना? भाड़ा कितना हुआ? अब मैं देख लू, मैं दे दू। नहीं नहीं, मेरा मेरा पैसा पैसा मैं दे रहा। नहीं मैं दे रहा हूँ। भाई साहब आ गए, और आने में परेशान नहीं ना हुई? नहीं कोई परेशान नहीं। और साहब कैसा चल रहा है? चलिए अंदर बैठिए। दीदी कौन है? अरे मेरा भाई और उसकी पत्नी आए हुए हैं। ये है उसकी पत्नी और मेरा भाई बाहर बैठा हुआ है। ये मेरी छोटी देवरानी है। सुनती हो जी, भाई साहब के लिए पानी वानी लाओ। हाँ जी लाती हूँ। प्रणाम दी। खुश रहो। और बाबू आने में कोई परेशानी तो नहीं हुई? नहीं कोई परेशानी नहीं हुई। और मम्मी पापा कैसे हैं सब घर पे? सब अच्छे से हैं। अच्छा ठीक है, तुम बैठो, मैं अंदर से आती हूँ। और दीदी मेरी भागनी कहाँ, जरा देख तो लो। होगी अपने कमरे में, मैं उसे बुलाती हूँ। सोना बेटा सोना, कहाँ हो? नहीं नहीं, भागनी मामा का पैर नहीं छूते, मामा भागनी के पैर छूते हैं। और बेटा खुश तो हो ना? हाँ मामा। ठीक है जा। ठीक है मामा। और यदि मेरे लिए कुछ काम है तो बताइए। नहीं आप क्या काम करेंगे, आप तो मेरे रिश्तेदार हैं। तो नहीं घर के अपने लोग काम में हाथ नहीं बटाएंगे तो कौन करेगा? ठीक है तो आप कह रहे हैं तो आप थोड़ा सा सब्जी वाले के पास चले जाइए, और बगल में मिठाई का दुकान है, वहाँ पेमेंट किया हुआ है, फिर आपको डेट दे देना। ठीक है। करण भाई साहब के साथ जाओ। मैं चलता हूँ। ठीक है। हाँ सुनिए, कुछ पैसे रख लीजिए, काम आए रख लीजिए, कुछ पैसे काम आए। ठीक है चलते हैं। अरे सोना। हाँ मम्मी। बेटा सोना कहाँ हो, अब बाहर आ? हाँ मम्मी आई। क्या हुआ दीदी? अरे सोना तो बाहर गया, उसकी हल्दी की रस्म शुरू करनी है। आप एहसान मत होइए, मैं ला देती हूँ। ठीक ठीक। सोना सोना कहाँ बेटा? जल्दी करो, मेहंदी की रस्म शुरू करनी है, सारे मेहमान आ चुके हैं। चलिए दूसरा दृश्य आपको दिखाना चाहता हूँ, आइए देखते हैं कैसे।
आप लोग अरे यार कितने कहा हो तुम? हाँ क्या हुआ सुबह सुबह आवाज तेरी यार? अरे आज मेरे भाई और उसकी वाइफ आने वाले थे, तुमने लाने नहीं गए? ड्राइवर भेज दिया लाने के लिए, क्यों काम के समय परेशान करती है? ठीक है मॉम मॉम, अरे अब तुझे क्या पता पड़ी? तुम्हारे भाई आ गए, बदतमीज वैसे ही बोलते, मामा है वो तुम्हारे? हाँ मॉम मामा तो ही आए हैं। हाय बड़ा है, क्या कर रहे हो? हाय मामा। बैठ रहे हो क्यों, क्या कर रहे हो? गेम खेल रहा हूँ, जाइए जाइए मॉम, आपका अंदर इंतजार कर रही हूँ। ओके मैं जा रहा हूँ। हाय भाई साहब। और सब कैसे चल रहा है? सब सही चल रहा है। जॉब कैसे चल रहा है? सब बढ़िया चल रहा है। सब ठीक ठाक है ना? आने में कोई परेशानी नहीं हुई? नहीं कोई परेशानी नहीं हुई। ठीक है चलिए अंदर बैठिए। प्रणाम भैया। कुछ रहो कुछ रहो। हाँ आपका काम हो जाएगा। हाँ ठीक है मैं देखता हूँ। प्रणाम जी। खुश रहो खुश रहो, बैठो। आने में कोई परेशानी नहीं हुई? नहीं कोई परेशानी नहीं हुई। और तुम्हारे लिए चाय पानी क्या ला? नहीं कुछ नहीं, सब रास्ते में हो गया। अच्छा ठीक है मैं जाती हूँ, चलो चलो। दीदी और दीदी कहाँ है? होंगे अपने कमरे में। ठीक है मैं मिल के आता हूँ। और दीदी घर में सारा काम अच्छे से चल रहा है? हाँ सब ठीक है, तुम अंदर चल। हाय दादी, कुछ रहो कुछ रहो। हाँ ठीक है मैं देखता हूँ। और सब चाय पानी हो गई? हाँ सब रास्ते में हो गया। ठीक है और सब काम सब कैसे चल रहा है? आजकल तो मैं बहुत बिजी रहता हूँ। मैं चलता हूँ, थोड़ा सा सुनो ना, बाजार का काम था, थोड़ा सा कर लोगे क्या? नहीं जी मैं बहुत थका हूँ, आप किसी और को भेज दीजिए। ठीक है मैं देखता हूँ दूसरे। अरे किरण कहाँ हो तुम? आई दीदी। सोना को कहाँ दिया? उसमें मेहंदी की रस्म शुरू करनी है। जी दीदी ला देती हूँ। सोना कहाँ बेटा? जल्दी करो मेहंदी की रस्म शुरू करनी है, सारे मेहमान आ चुके हैं। आ रही हूँ चाची। किरण सारे मेहमान को बुला दो। जी दीदी आइए आइए। अरे किरण लालसा कहाँ है? वो तो कभी भी उठी पार्लर गई थी। क्या यहाँ आ गए? अच्छा आ गए। सारे मेहमान तो आ गए, मेहंदी की रस्म शुरू करते हैं। जी दीदी मेहंदी है रचने वाली, हाथों में गहरी लाली, कोई सखिया अब कलिया हाथों में खिलने वाली है, मेरे मन को जीवन को नई खुशियां मिलने वाली है, ओ हरियाली मनु आने वाली है, मेरे सैया आके पकड़ेंगे भैया, गूंजेगी सहनाई सहनाई अंगनाई अंगनाई। हो गई मेहंदी की रस्म? जी दीदी। ठीक है सोना को अंदर ले जा। ठीक है दीदी। हो गई? जी दीदी। Thank you.
देखा आपने हमारा कल्चर किस तरह से बदलता जा रहा है। बच्चे बड़ों का आदर करना भूल रहे हैं और अपने कार्य में व्यस्त हो जा रहे हैं। इसी के साथ मैं यह दूसरा दृश्य समाप्त करता हूँ और मेरी आपसे एक गुजारिश है कि आप अपना संस्कार और सभ्यता को ना भूलें, अपने संस्कार और सभ्यता को महत्व दें। धन्यवाद। अब मैं आपके सामने तीसरा दृश्य प्रस्तुत करने वाला हूँ, जो दृश्य हमारे फौजी भाई के लिए है। जो फौजी भाई हमारे लिए हमेशा कारगिल में खड़े रहते हैं और अपनी जान तक की कुर्बानी देने को तैयार रहते हैं और उनके जीवन में कितनी कठिनाइयां है, आइए एक छोटे से दृश्य के द्वारा मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। सबसे पहले आपको मैं अपने मित्र से पात्र परिचय करवाना चाहता हूँ। मैं दिनेश कुमार, मैं फौजी रणवीर सिंह के कैरेक्टर में। मैं परी कुमारी, मैं फाइव के कैरेक्टर में। मैं विष्णु सिंह, फौजी के कैरेक्टर में। मैं प्रजा, फौजी के कैरेक्टर में। मैं प्रभु कुमार यादव, मैं कैप्टन अमरेंद्र सिंह के कैरेक्टर में। मैं रोहित कुमार, आतंकवादी के कैरेक्टर में। मैं रोहित कुमार सिंह, आतंकवादी के कैरेक्टर में। मैं